अंजुबाला धन्यवाद सभापति महोदय। जब हम किसी देश की समृद्धि एवं विकास का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले वहां के नागरिकों द्वारा प्राप्त की जाने वाली शिक्षा तथा उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर अवश्य ध्यान केंद्रित करते हैं। निष्कर्ष यही निकलता है, जहां जितना ज्ञान वहां उतना विकास। स्वतंत्र भारत के 67 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारा देश विकास की उस ऊंचाई को ना पा सका जिसकी हम सबको आशा थी, जिसका मूल कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था रही। मुझे ऐसा लगता है आज भी हमारे समाज की महिलाओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। जनसंख्या तो 50% है लेकिन सामाजिक दायित्व 100% है। सभापति महोदय, मेरा कहना इतना है कि महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे हमारा क्षेत्र जो मेरी लोकसभा मिश्रिक है वहाँ 5 विधानसभाएं ऐसी हैं जो इस शिक्षा में जहाँ महिलाओं को स्कूल मिलने चाहिए, महाविद्यालय मिलने चाहिए, वो वंचित हैं। तो इसीलिए हमारे लोकसभा क्षेत्र मिश्रिक में मिश्रिक संडीला बिलग्राम बिलोर किसी भी तहसील में महिला महाविद्यालय नहीं है, ना कोई केंद्रीय विद्यालय है। शिक्षा की इस अति गंभीर समस्या को सदन के माध्यम से मैं सरकार से के संज्ञान में लाना चाहती हूँ तथा मांग करती हूँ कि जनहित में मेरे लोकसभा क्षेत्र में तहसील स्तर पर राजकीय महिला महाविद्यालय तथा केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय।